वेलकम जी, आई एम डॉक्टर शहजाद, फिजियोथेरेपिस्ट एंड कायरोप्रैक्टर। अच्छा, आज जो मैं कंडीशन डिस्कस करना चाह रही हूँ ये बहुत ज्यादा आम है, अक्सर हजरात जो है इस मसले में, इस कंडीशन में मुबतला होते हैं। अच्छा, इस कंडीशन में होता क्या है कि जो आप पर लिखते हैं, लिखते लिखते लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारी उंगलियां थक जाती हैं, हमारा हाथ थक जाता है और पेन एक रेडिएट करती है और हमसे फर्दर लिखा नहीं जाता, हमसे ठीक से लिखा नहीं जाता। अच्छा, कुछ हजरात इसमें कंप्लेन ये करते हैं कि हमारे साइन बदल गए हैं, हम जो पहले साइन करते थे अब हमारे साइन की वो पोजीशन, वो डायरेक्शन चेंज हो गई है। तो इस कंडीशन में आप जैसे भी लिख रहे होते हैं और आप एकदम से महसूस ये करते हैं कि आप फर्दर नहीं लिख सकते या ठीक से नहीं लिख सकते। अच्छा, लोग कंप्लेन ये करते हैं कि पहले हमारे साइन अलग होते थे, अब हम अलग से साइन करते हैं और ये थोड़ा चेंज आ गया है हमारे सिग्नेचर में भी और हमारे ओवरऑल लिखाई में भी और हम फर्दर जो है नहीं लिख पाते। अच्छा, ये वो हजरात ज़्यादा होते हैं जो बैंक में जॉब करते हैं, जो म्यूजिशियन हैं, पियानो वगैरह अपने फिंगर से जो ज़्यादा काम करते हैं। दूसरा, बैंकर्स की बात नहीं इसी से कर रही हूँ क्योंकि उनका लिखने का काम ज़्यादा होता है। स्टूडेंट्स में ये चीज़ आ सकती है और इसके लिए आप, ज़रूरी नहीं है कि आपका एक स्पेसिफिक एज फैक्टर हो कि हम तो अभी यंग हैं। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि अभी इसी उम्र में हमें ये मसला स्टार्ट हो गया, तो हमारी इन्वायरमेंट और हमारा आज का जो माहौल है, हमारी डाइट है, वो आपको बियर एंड टेयर के साइन आपकी एज से पहले प्रोवाइड करने लगती है। तो ये इसलिए होता है और इस तरह होता है कि अनकॉन्शियसली आप लोगों को पता नहीं चलता और आप लोग जो है, आप लोग की फिंगर्स, आप लोग का हाथ, ये जो मसल्स हैं एकदम से स्टिफ हो जाते हैं। अच्छा, इस कंडीशन को कहते हैं फोकल डिस्टोनिया। दूसरा, राइटिंग स्पैर भी बोला जाता है इसको, कि आपका हाथ एकदम से अकड़ाव में आ गया है और आप जो है फर्दर नहीं लिख पा रहे। अच्छा, ये कंडीशन होती है अनकॉन्शियसली, स्पेशली उन हजरात में, एक तो जो लिखने का काम करते हैं, दूसरा जिनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, स्ट्रेस जिनका बहुत ज़्यादा है, वो अनकॉन्शियसली, उनको पता नहीं चलता और अनकॉन्शियसली उनके मसल्स जो हैं स्टिफ हो जाते हैं। अच्छा, यही एक फैक्टर आ रहा है कि मैं एक इस कंडीशन को डिस्कस कर रही हूँ, लेकिन इसमें होता ये है कि अक्सर लोग जो स्ट्रेस बहुत देते हैं उनकी ओवरऑल बॉडी में स्पैज्म आ जाता है, उनकी मसल्स में बहुत ज़्यादा स्पैज्म आ जाती है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक हाथ की बात करें या सिर्फ एक कंडीशन की बात करें, और इस वजह से उनके पट्टी अकड़ाव में आ जाती है और वो बहुत सारे मसल उठा हो जाते हैं। तो जी, इसका इलाज हमारे क्लिनिक लाहौर स्पाइन केयर में किया जाता है विदाउट मेडिसिन सर्जरी। कुछ सेशंस किए जाते हैं, एक तो आपकी आपके पोस्चर को थोड़ा बेहतर करने के लिए, आपकी उस पोस्चर की ट्रेनिंग करवाने के लिए। दूसरा, कि आपका जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसको बेहतर करने के लिए हम लोग विदाउट मेडिसिन और सर्जरी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। आप या आपसे रिलेटेड कोई भी इस कंडीशन में मुबतला है तो हमारा नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।